Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Now we're going to start with the 7th question. As you all know, हम लोग यहाँ पे important questions discuss कर रहे हैं. So chapter 8 का 7th question है ये. Find the amount. Amount find करना है हमें. If rupees 2000 is invested, तो जो money हम invest करते हैं, वो हमारा principal होता है. तो मतलब principal दे रखा है 2000 rupees. Invested for 2 years, मतलब time दे रखा है. कितने years के लिए invest किया है? 2 years के लिए. At 4%, मतलब rate of interest दे रखा है 4%. ठीक है, ये सब चीजें हमें दे रखी है compounded annually. हमें find करना है amount. So now the formula for amount is principal 1 plus r upon 100 and n. ठीक है, so principal है हमारा 2000. ये हो जाएगा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 है अपॉन 100 एंड n हमारा हो जाएगा 2. ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है. सो ये तो जी हो गया 2000 एज इट इज रहेगा. इसको अगर हम चाहो तो पहले आप यहाँ पे कट कर लो. सो ये हो जाएगा 2 अपॉन 50. ठीक है, चाहो तो इसको ऐसे भी रहने दोगे तब भी चलेगा. अगर मैं यहाँ पे इसको करूं तो ये हो गया 50 और ये हो गया 50 प्लस 2. ठीक है, और इस पूरे का स्क्वायर भी है साथ में. तो ये तो हो गया 2000 इंटू 52 अपॉन 50 और इस पूरे का स्क्वायर. सो ये हो जाएगा अगेन 2000 इंटू, अब इसका स्क्वायर करने मल्टीप्लाई की जगह हम इसको ऐसे ही लिखे ताकि जितना कट होना होगा वो यहाँ पे कट हो जाएगा. ठीक है, स्क्वायर है तो दो बार लिख दिया हमने इसको. अगेन जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल. अब यहाँ पे 5 है, 5 1 5 एंड 5 4 20. आगे देखो और क्या कट हो सकता है, और तो यहाँ पे कुछ भी कट नहीं हो सकता. तो नीचे हमारे पास बचा 5 और इस पूरे को अब करना पड़ेगा मल्टीप्लाई. तो 52 इंटू 52 एंड देन बाद में उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 2 4 देन 5 2 10, अगेन 5 से करना है, 5 2 10 देन 5 5 25 प्लस 1 26. तो ये हो गया 4 0 6 प्लस 1 7 2. अभी इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से. So 4 into 4 is 16, 4 zeros are 0, plus 1, 1. 7 fours are 28, and 4 twos are 8, 9, 10. So ye aa gaya 10816. So ye aa gaya ji 10816. Ab amount nikalne ke liye hame isko divide bhi karna padega. To 5 ko divide karna hai 10816 se. 5 into 2 is 10. Yahan pe hamare paas 8 aa gaya. Then 5 ones are 5. देन यहाँ पे नीचे 1 आ जाएगा एंड 5 6 7 8 31. सो 5 into 6 इज 30. अभी 6 ऊपर से नीचे आएगा, ये हो गया 16. सो ये हमारा हो जाएगा 5 into 3 इज 15. 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा. सो 5 into 2 इज 10. सो therefore 2163.2. दिस मच इज द अमाउंट. क्वेश्चन में हमने अमाउंट स्टार्ट किया था निकालना. सो ये हमारा अमाउंट हो गया. ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो दिस वाज 7th क्वेश्चन. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.